हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं लाइव और फिश पॉट की क्लीनिंग करने के लिए। ये छोटा सा क्यूट सा फिश पॉट है मेरा, और देखिए आज मैं इसको कैसे क्लीन करती हूँ। मैं हर 15 दिन बाद इसका पानी चेंज करती हूँ और फिश इससे फ्रेशनेस महसूस करती हैं और बहुत खुश रहती हैं। तो चलिए फिर करते हैं। ये मैं इसका सबसे पहले ऑक्सीजन पंप है, ये देखिए ये चल रहा है, जो इससे इनको बहुत अच्छी ऑक्सीजन आती है। यदि आपके पास भी ऐसा छोटा सा फिश पॉट है तो आप भी इस तरह से ऑक्सीजन जरूर पंप लगाएं इनके लिए। इससे फिश बहुत खुश रहती हैं और उनको बहुत अच्छी ऑक्सीजन आती है। और मैं अब इसको बंद कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे क्लीन करने वाली हूँ, तो ये मैं बंद कर दिया है और ये मैं ऑक्सीजन पंप निकाल रही हूँ। देखिए ये मैंने बाहर निकाल दिया ऑक्सीजन पंप। हम इसको भी वॉश करेंगे, मैं अभी बताऊंगी आपको किस तरह से वॉश करते हैं ऑक्सीजन पंप को। और ये मैं फिश पॉट उठा रही हूँ और ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक बाल्टी रखी है। इसी तरह आप भी छोटी सी बाल्टी रख लीजिए और फिशेज को इस तरीके से धीरे से इस तरीके से डालना है ताकि फिश डरे नहीं और फिश को कंफर्टेबल लगे। ये देखिए आप देख रहे होंगे पानी कितना गंदा हो रखा है। और ये देखिए स्टोन्स हैं जो इसके अंदर, ये देखिए, ये भी देखिए कितने गंदे हो रखा है यहाँ पे। इसको हम सारा क्लीन करेंगे। सबसे पहले हम इसको पॉट को क्लीन करते हैं, तो चलिए वॉश बेसिन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये फिश पॉट, हमें इसमें कोई भी सर्फ वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है और हमें इसके इस तरीके से हाथ डाल के इस तरीके से धीरे धीरे करना है, स्टोन्स को इस तरह से क्लीन करना है इस तरीके से। और मैं ये थोड़े स्टोन ये बाहर भी निकाल लेती हूँ इस तरीके से। देखिए देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक कारपेट रखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने ये पॉट रख दिया है क्योंकि ये बहुत ही नाजुक इसमें होता है, ये कांच इसका बहुत ही वैसा रहता है, बहुत ही पतला। तो आप इस तरीके से स्टोन्स को निकाल के इस तरह वॉश कीजिए अच्छे से रब करके। इसमें किसी भी तरीके का सर्फ वगैरह आपको कुछ भी यूज नहीं करना, ये बहुत हार्मफुल होता है फिशेज के लिए। बस आपको सिंपल पानी से ही वॉश करना है इस तरीके से। और मैंने एक हाथ में फूल ऐसे ही पकड़ रखा है और ये मैं इस तरीके से दूसरे भी निकाल रही हूँ। और ये देखिए मैं इनको भी वॉश कर रही हूँ इस तरीके से, वॉश कर लिया हमने। और ये देखिए स्टोन बिल्कुल इस तरीके से रब करेंगे आप, देखिए इस तरीके से रब करेंगे तो ये अपने आप ही क्लीन हो जाएंगे और बिल्कुल साफ हो गए हैं। बस तरीके से इसको पंप का ये हमें इस तरीके से खींच लेना है ये, और ये इस तरीके से देखिए आप कितना इसमें ब्लैक ब्लैक भी निकल रहा है, सारा डस्ट जो होता है सारी गंदगी इसमें एब्जॉर्ब कर लेता है ये पंप और पानी को क्लीन रखता है और ऑक्सीजन भी बहुत अच्छी देता है फिशेज को। देखिए हमने क्लीन कर लिया है, बस क्लीन हो चुका है, सिंपल पानी से ही करना है हमको, कुछ नहीं यूज करना सर्फ वगैरह शैम्पू वगैरह कुछ यूज नहीं करना। चलिए अब पॉट में लगाते हैं इसको और ये अब मैं इसमें ये फिट कर देती हूँ, ये मैंने फिट करके इसको रख दिया है। अब मैं फिशेज को देखती हूँ बाल्टी में वो क्या कर रही है। ये देखिए हमारी फिशेस ये क्या कर रही हैं बाल्टी में, और अब हम इसको वापस पॉट में डालेंगे इन फिशेस को। ये देखिए ये बिल्कुल आ नहीं रही हैं बिल्कुल भी, पर हमें इन्हें इसी तरीके से धीरे धीरे करके इनको लेके आना है और ये हमने इनको वापस डाल दिया। देखिए कितना इजीली आ गई हैं। इसी तरीके से आप भी किसी भी बर्तन से और किसी चीज से भी ले सकते हैं, मैंने करछी का यूज किया क्योंकि ये इसमें कैच हो जाती है। अभी देखिए कैसे भाग रही है ये, पर ये आ चुकी है और ये हमने वापस डाल दिया है देखिए। और ये फ्रेश पानी में देखिए कितनी खुश हो रही है। और देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें इनके लिए एक एंटी फंगल ड्रॉप भी ली है जो 50 से लेकर 60 रुपीज की आ जाती है, ये हम इसमें डालेंगे 5 ml, जिससे कि फिशेज बिल्कुल फंगल फ्री रहती हैं और बिल्कुल बिल्कुल बीमारियों से दूर रहती हैं और बहुत ही अच्छा फील करती हैं। तो ये मैं इसमें देखिए डाल रही हूँ, इससे हमारा पानी का कलर भी चेंज हो जाता है और फिशेज बिल्कुल
बीमारियों से दूर रहती हैं और बिल्कुल फ्रेश रहती हैं और बहुत खुश रहती हैं। इसमें देखिए पानी का कलर किस तरह से चेंज हो रहा है। और ये वापस मैं अपने फिश पॉट को वापस उसी की जगह पर ले जाती हूं। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आप इनके खाने का टाइम फिक्स रखें, जैसे कि मैं अपनी फिशेस को 2 बजे दिन में लंच टाइम में खाना देती हूँ और मेरा फिक्स टाइम है, तो आप भी इस तरीके से इनका फिक्स टाइमिंग रखें। और ये देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया है इनका पंप और ये फिर से बहुत ही खुश हैं। और ये मैंने 0 वाट का बल्ब भी रखा है यहाँ पे, ये मैंने इनके लिए मतलब रोशनी के लिए रखा है जिससे पॉट में रोशनी जाती रहती है इनके लिए और बहुत ही इंजॉय करती हैं ये फिशेस। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो तो ये मुझे जरूर बताएं और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।